So these are, meaning we really need to invest into this because this is going to affect our, hamara jo next generation hai. We are young India. So our next generation is going to be a mature, a young and educated India. So uske liye, we have to start this from the grassroots. थैंक यू सो मच डॉक्टर वैशाली फॉर कमिंग टू आवर शो एंड आपने जो भी हमारे साथ आपके व्यूज शेयर किए आई थिंक प्राइमरली व्हाट यू सेड वी शुड बी डेफिनेटली ऑल वुड बी अग्रीइंग स्पेशली द वुमेन ऑडियंस देयर दैट यू हैव दिस राइट टू से नो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड सेकेंडली यू नीड टू डिसाइड व्हेन यू वांट टू हैव अ बेबी यानी ये आपको ही डिसाइड करना बिकॉज इट इज यू हु इज एक्चुअली गोइंग टू कंसीव द बेबी एंड आई मीन हैव हिम और हर in your body for at least 9 months. So it is you who would be deciding that are you ready, are you prepared enough, are you in a good mental state to give birth to a healthy baby. So I think women must be thinking about it and taking it a call that yes, I am ready for it or not. And secondly, aapne jo bahut important baat ki, mujhe lagta hai bahut sare aise innocent adolescent children hain jo bilkul innocent, unhe kuch bhi nahi pata, lekin wo aise aise bahut sari cheezon se, aise jankariyon se जब वो अपने को शेयर करते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता एंड दे डोंट नो होम टू एक्सपर्ट किसके पास जाऊं मैं अगर ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए आई थिंक एज वी आर गोइंग टुवर्ड्स टेक एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड वी मस्ट बी हैविंग एप्स लाइक दिस जो बिल्कुल ही सीरियस सेक्स एक्सपर्ट्स या हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स एंड ऑब्स्टेट्रिक गायनेक डॉक्टर्स जैसे आप हैं वो उनको अगर सही सलाह देंगे तो वो शायद अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकेंगे एंड सो दैट कि हमारा जो भी नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है वो बहुत ज्यादा मच्योर्ड होगा और इन्फॉर्म्ड होगा नॉट फ्रॉम द रॉन्ग सोर्सेज बट डेफिनेटली फ्रॉम द राइट सोर्सेज इसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों से आज तक उनके बात नहीं करते